संकट मोचन हनुमान के विशाल भंडारे का आयोजन सेंट्रल बार एसोसिएशन अतुल कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में किया गया और सारे अधिवक्ताओं के सहयोग से भंडारा सफल होता है, जिसमें भगवान अभयदाता का प्रसाद वितरण किया गया। समिति के नेतृत्व में ज्येष्ठ माह के चतुर्थ मंगलवार को गेट नंबर 2 के पास किया गया महाआरती के पश्चात 10,000 से अधिक भक्तों को भंडारे में भोजन कराया जा रहा है। रायबरेली सेंट्रल बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के नेतृत्व में सिविल कोर्ट परिसर स्थित गेट नंबर 2 में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष सचकांत शुक्ल ने बताया कि साल भर हम लोग दैनिक क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हर साल इस बड़े मंगलवार के दिन पावन उत्साह पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10 से 15,000 भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये भंडारा तब तक चलता है जब तक भक्तों का आना रहता है। भंडारे को बंद नहीं किया जाता है और न ही कोई भक्त भूखा जाता है। और वहीं मौजूद महामंत्री विजय कुमार वाजपेयी से बात करने पर बताया कि इस भंडारे की शुरुआत गेट नंबर 1 से की गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक गेट नंबर 2 पे ही प्रसाद वितरण किया जाता है। वहां पे लगभग दर्जनों से अधिक अधिवक्ता मौजूद रहे, जिसमें से पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश शुक्ला, अधिवक्ता अमित मिश्र, कमल पांडे, अजय पाल सिंह, मनोज यादव, आनंद गुप्ता, महेंद्र सिंह, अंजू मिश्रा, संयुक्त मंत्री सत्य प्रकाश द्विवेदी व अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। हमारे अधिवक्ताओं द्वारा जो है अभयदाता भगवान का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और ये कई वर्षों से लगातार न्यायालय परिसर के गेट नंबर 2 पे चल रहा है। शुरुआत इसकी गेट नंबर 1 से हुई थी, अब ये गेट नंबर 2 पर निरंतर चल रहा है, जिससे कि भक्तों को प्रसाद जो है और इसके मेन संचालक हमारे शशकांत शुक्ला जी और जो हमारे बगल में खड़े हैं आपको समझ। मेरा नाम शशिकांत शुक्ला है। साल भर तो हम लोग अपने दैनिक क्रियाओं में अधिवक्ताओं वादकारियों के कार्यों में लगाते हैं। ये एक दिन क्या बल्कि जितने भी बड़े मंगल पड़ते हैं जेठ माह में, तो उसमें एक प्रयास रहता है कि अधिवक्ताओं के द्वारा आम जनमानस की सेवा की जाए और उसका माध्यम भगवान अभयदाता बने। भोजन की व्यवस्था रहती है आमजन के लिए, उसमें प्रयास रहता है, सामूहिक पूरा सहयोग रहता है। इसमें पूरे कचहरी के जितने भी अधिवक्ता हैं उनसे सबसे हम लोग सहयोग लेते हैं और सबका सहयोग लेते हैं। लगभग कितने लोगों का प्रसाद वितरण किया? ये लगभग 15,000 से 20,000 लोगों का हम लोगों का टारगेट रहता है। कितने बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये तो जब तक भक्त आते रहेंगे तब तक चलता रहेगा, सामान की कोई कमी नहीं है, सामग्री हम लोग। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए वीरू की रिपोर्ट, रायबरेली। रायबरेली जिला अस्पताल की मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आज जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए। उनके पहुंचते ही जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी का रुख किया और उसके बाद उन्होंने चिकित्सकों के कमरों का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की और उनसे हालचाल भी पूछा। जब चिकित्सकों के कमरों का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान चिकित्सक के कमरे में 2 संदिग्ध युवक दिखाई पड़े, जिन्हें उन्होंने धर दबोचा और पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया। दरअसल लंबे अरसे से जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा बाहर से दवाई लिखने के बाद चिकित्सकों के कमरे में बाहरी व्यक्ति से काम लेने की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर आज जिला अधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डी के सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी का हाल लिया। यहां मौजूद मरीजों से उन्होंने बाहर से दवाई लिखे जाने की बात पूछी, लेकिन सभी ने अस्पताल से ही दवाई मिलने की बात कही। उसके बाद जब वह बाहर निकले तो वहां स्ट्रेचर ना देखा, उन्होंने नाराजगी जताई और साथ में मौजूद सीएमएस को ताकीद किया कि स्ट्रेचर इमरजेंसी में मौजूद रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों के कमरे का निरीक्षण किया, जहां उन्हें संदिग्ध 2 युवक मिले, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों युवक गोल गोल घुमाने लगे। दोनों युवकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज को सौंप दिया और उसकी जाँच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। फिलहाल औचक निरीक्षण के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की प्रशंसा भी की। और कोई कष्ट नहीं है ना आप लोगों को? दवा वगैरह मिल जा रही है? हेलो, इमरजेंसी वार्ड क्या दवा मिल गई थी? इतना तो नहीं पड़ा। क्या हुआ? कम लग रहा है, क्या हुआ? ये अपडेटेड केस है, कार्ड खोलना। इनका ब्लड कम है क्या सिस्टर? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अक्षय मिश्रा की रिपोर्ट, रायबरेली।
लालगंज तहसील के SDM जीतलाल सैनी, मैं क्षेत्र अधिकारी वहाँ कोतवाली के कोतवाल विनोद सिंह के साथ आज कस्बा लालगंज में छोटे से बड़े दुकानदारों के यहाँ छापा मार कर बड़ी मात्रा में सामान पैकिंग हेतु पॉलिथीन पकड़ी है। पूरे लालगंज में घूम घूम कर यह अभियान चलाते हुए दुकानदारों पर धड़ल्ले से बिक रहे सामान पैकिंग पॉलिथीन को अपने कब्जे में लेकर चालान किया जा रहा है। पकड़े गए दुकानदार बबलू, खोवा वाले खन्ना किराना स्टोर, गंदी गली में लस्सी बेचने वाले आदि कई लोगों के यहाँ बड़ी मात्रा में सामान पैकिंग करने के लिए छोटी से बड़ी पॉलीथीन पकड़ी गई है, जिसको तुरंत अपने कब्जे में लेकर चालान काटने का कार्य किया गया है, क्योंकि इस पॉलीथीन से लोगों में काफी बीमारियां फैल रही हैं। गली चौराहों में पड़ी पॉलीथीन को जानवर भी खा जाते हैं और जिससे उनको काफी कठिनाइयां और बीमार होने का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते सबको बीमारियों का सामना करना पड़ता है और गली गली गंदगी फैली रहती है। कस्बा लालगंज के दुकानदारों में काफी सनसनी फैली हुई है। नमस्कार दोस्तों, TVN इंडिया न्यूज़ आज़ाद भारत के वास्ते में हूँ आपके सामने मोहम्मद साकिब। और आज हमारे रायबरेली जिले कस्बे लालगंज में पन्नियों पर छापेमारी हुई और हमारे लालगंज तहसील के SDM जीतलाल सैनी जी भी उपस्थित है और हमारे थाना प्रभारी विनोद सिंह जी भी अपनी पूरी टीम के साथ छापेमारी की है और काफ़ी दुकानदारों से पन्नी बरामद हुई है। TVN इंडिया न्यूज़ आज़ाद भारत के वास्ते मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट लालगंज। TVN इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट लालगंज रायबरेली।